और वो वो फेल जा वही रही है। ये मंदिर है, ये भोलेनाथ है। और मारो जाना है। अभी किसी ने से क्या, हम कहीं गए नहीं ब्लॉग शूट करें, तभी हम जा रहे हैं नीचे साइड एक पूर्ण धाम आश्रम है, वहाँ जाएंगे, वहाँ का ब्लॉग शूट करेंगे और वहाँ थोड़ी बहुत फोटो क्लिक करेंगे। मैं यहाँ बहुत सारे फोटो क्लिक करवाना चाहता हूँ। और अभी मैंने ये सीएम को जूता पहना, जूता मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें चलेंगे। चलो चलते हैं यहाँ से, तीन लोग सब रेडी हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं फटाक से। तो भाई हम घर से निकल चुके, अभी हम जा रहे हैं बस स्टॉप, बस स्टॉप से लेंगे बस, उसके बाद निकलेंगे आश्रम जाएंगे। और यहाँ सामने पानी भरा हुआ है ना, तो जूते गंदा होने का चांस है और उसकी आवाज़ कम आ रही है। अभी पहले बस आ गई है, बस लेते हैं। उधर है, चलो अब आगे निकलते। ये दोनों भी आ गए हैं और चलते हैं जहाँ पूर्ण धाम आश्रम चलते हैं। अब बस का सफर हमारा हो चुका है यहाँ से। अभी नाम आश्रम जाने का रास्ता इधर से है, तो अपन इधर से चल रहे अंदर। ये देखो तो भाई, अभी हम यहाँ रास्ते में चलते जा रहे हैं, क्योंकि अभी वो आ नहीं रहा, 5-5 मिनट बोल के लोग सच में बहुत चला रहे हैं। मैं जब से पुणे आया लोग मुझे पैदल बहुत चला रहे हैं। चलो पैदल घूमने का मज़ा ही अलग होता है ना, पैदल ही घूम रहे और आगे जा रहे हैं। अच्छा चलो बढ़िया है, चेक हो गया ना अभी। फाइनली हम मंदिर पहुंच गए, आप लोग सामने से ऊपर का उसका वो दिख रहा होगा। चलो अब चलते हैं आगे यहाँ से, फिर मिलते हैं आप लोग मंदिर के पास ही। ये आ चुके हैं और ये गेट है इसका, नहीं बंद है, लॉक खोलना। आगे आगे चलेंगे, यहाँ से ताला लगा है। चलो इस वाले गेट में ताला लगा है, आगे वाले गेट से अंदर चलेंगे। ठीक है, और यहाँ ताला नहीं लगा था, गेट खुला ही था, हमें ऐसा लगा ताला लगा है। और यहाँ सबसे सब पहले गणपति जी दिख जाते हैं। चलो चढ़ते हैं यहाँ से ऊपर पहले। और ये क्या लगा दिया रे शिवरात्रि के, उससे अरे शिवरात्रि थी ना इसलिए। अच्छा हाँ, इसे लगा गया था। ये देखो सबसे पहले इधर दिख गए गणपति जी, जूम करके देख लो गणपति बप्पा मोरिया। अब यहाँ चल रहे ऊपर और अब मास्क उतार रहता हूँ, थक गया मैं, बहुत चलाए इन लोगों ने। अब मेन दिखते आप लोग दिखाते हैं महादेव को, बाकी ये डर रहा है शिवम से, क्योंकि शिवम का बेस्ट फ्रेंड है ना, जिसके कारण डर रहा है। अच्छा गोलू डर रहा है, गोलू की पहचान का है। चलो अब यहाँ से चलते ऊपर। और ये थका तो नहीं थकी, ये बता, थक गई दोनों थक गए हैं। अच्छा ये लो भाई आ चुके हैं। और यहाँ से देखो महादेव, देखो एकदम ऊँचे ऊपर बैठा गया पर्वत पे। ये हो भाई, खाली है ना पूरा, ये तो है ना पूरा खाली है, हमारे तो मतलब कोई नहीं है। मतलब चलो पहले शांतिपूर्वक उतार में बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। और इसको अभी क्या, अच्छा हाँ वो था, हाँ मतलब ये शिवम ने यहाँ फोटो डाली थी, तो मैं बोल रहा था भाई मुझे फ़ोटो खिंचाना है, क्लिक करवाना है यहाँ से, तो ये जगह है और यहाँ फ़ोटो खिंचाएंगे। यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं है, अभी हमारी भाई बहन है चारों, एक तो उधर है बाकी इधर है हम। चलो थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, थोड़ा पानी लेकर ही पानी पीते हैं। चलते हम गुफा के अंदर, इस सामने गुफा है छोटी सी, ज्यादा बड़ी छोटी सी है, तो हम चारों चलते हैं गुफा के अंदर और वहाँ भी फोटो शूट कराएंगे। इधर चलते हैं ना अपन, हाँ तो इधर चलते हैं। ये देखो इधर से जाना है, बाकी व्यू बहुत तगड़ा भाई यहाँ का। तो चलो यहाँ से चलते एकदम शांतिपूर्वक वाला, यहाँ कोई नहीं है, मतलब हम ही चार हैं, बाकी इधर काम करने वाले जो हैं बस। चलो ये देखो गुफा अंदर से, ओ भाई ओ हो बाहर निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे बताओ। इधर पूरा खंखाल पड़ा हुआ, इधर मतलब कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से एंट्री एग्जिट होंगे हम ये, चलो अब यहाँ से एग्जिट होते हैं। पूरी शांति तक जूते की आवाज़ आ रही है ना, बहुत तगड़ा लग रहा है। ये निकल गए गुफा के बाहर, ओ भाई व्यू देखो इधर का। और ये लोग गुफा के बाहर आ चुके हैं, गुफा के बाहर आ चुके हैं अब सर। बाकी इधर घूमेंगे अभी अपन, इधर गार्ड उड लगे हैं। बाकी ये बंदर भी कौन सी है इसके,
शंकर जी की ये भी है, शंकर जी की ये भी है। और यहाँ शिवरात्रि मतलब ज्यादा कुछ हुआ था, हम यहाँ नहीं आते, हम गए थे हमारे घर के पास वाली पे चारों। तो अभी यहाँ थोड़ा बहुत और घूमते हैं, थोड़ा बहुत और ब्लॉगिंग करेंगे और फोटो क्लिक करवाएंगे। तो मतलब यहाँ पर शिवरात्रि में ये दरी और बिछाई गई थी, सब हटा रहे हैं यहाँ से अभी, और ये भी दरी हटा रहे हैं हम शर्मा के बेचारी। चलो अभी थोड़ा फोटो क्लिक करा लेते हैं और एक आध दो फोटो रील्स बना लूँ मैं, रील्स टिकटॉकर बन जाऊँ मैं, टिकटॉकर सस्ता टिकटॉकर बन जाता हूँ। चलो आप लोग दिखाते हैं मंदिर के बाहर ये क्या लिखा है, कृपया अपने जूते चप्पल स्टैंड पर ही उतारे, है ना, उतारे व रखें, सब चीज लिखे, बाकी यहाँ भी बाकी वो चीज लिखे, कृपया मंदिर के पवित्रता को बनाए रखें, आगे से दिखा रहा है ना। चलो और देखते आगे अपन अभी जाके। ओ भाई हाँ बोलो, जूते निकाल देंगे ना अपन, अब मंदिर के पास स्टैंड कहाँ है, स्टैंड वो थोड़ी है, स्टैंड आगे है ना, मंदिर के अंदर जाएंगे हाँ, तो निकाल देंगे अपन अभी, यहाँ से अंदर चलेंगे मंदिर के, बाकी बोर्ड पे जो चीज लिखा लिखा रहने दो अभी। सामने से ये मंदिर है, ये देखो शिव जी की, अब चलते इसके अंदर अपन, चलो दर्शन करते पहले ओम भीम को कर लें दो, उसके बाद अपन चलेंगे, अपन दर्शन करेंगे और हल्की फुल्की वीडियो बना लेंगे। पूजा हो गई है और यहाँ हम शांति बना कर रख रहे हैं, हम ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाहर लिखा गया है मंदिर के अंदर शांति बना कर रखें, इस चक्कर में चलो का परिक्रमा करना पड़ता है तो अपन कर लेते हैं राउंड मार के। और आजकल अपन पूरा मंदिर मंदिर का ब्लॉग शूट कर रहे हैं, अपन यहाँ आके एकदम श्रद्धालु बन चुके हैं, ठीक है, इसलिए बाकी चलो मंदिर का अपना राउंड कम्प्लीट होने वाला है, इधर भी ताला, उधर वाले किधर भी ताला, बस सामने वाला द्वार खुला हुआ है, बाकी इधर से मंदिर का बाहर का व्यू है, इधर से अंदर का, इधर भगवान जी है सामने, सामने देखो नंदी बाबा, इनकी अभी सफाई हो रही है, नहा रहे हो मतलब, पहन के नहीं जाना पड़ रहा क्योंकि आगे साई मंदिर है ना, वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भी जूता उतारना ही पड़ेगा, इसलिए ऐसे जाके पहले जूता बिगर पहन ही दर्शन कर लेते हैं। बोर्ड के बारे में हाँ, ये बोर्ड देख लो, आप लोग पढ़ लेना, मैं पढ़ पढ़ के नहीं सुना रहा, थक चुका, पढ़ लेना। साई मंदिर यहाँ अंदर जा के हम आ चुके हैं और फोटोग्राफी हमने नहीं की क्योंकि इसके अंदर फोटोग्राफी नहीं अलाउ है, पंडित जी बैठे थे और हमने मास्क पहन लिया क्योंकि वहाँ लिखा था बाहर कि मंदिर के अंदर बगैर मास्क के मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है। अब ये देखो गार्डन, यहाँ हम फोटो खिंचवाएंगे, हम मत ज़्यादा फोटो खिंचाने के चक्कर में आए यहाँ पे, ब्लॉगिंग तो बन रहा है, दर्शन तो किए हैं भाई, दर्शन हम करके आए हैं, हाँ हाँ व्यू बहुत अच्छा है। अभी चलो गार्डन में एक आध दो फोटो क्लिक कराते हैं, शिवम पीछे जूता पहन रहा है अभी, आ रहा है अभी शिवम भी। तो भाई ये देखो ये राउंड राउंड पे जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये है मंदिर, साईं मंदिर, और इधर ये लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी है, यहाँ बुक रखी रहती है। और सामने भी इस वजह इस जगह जा रहे हैं हम रोड पे, और बाकी इधर सब चीज़ लिखा हुआ है, जो एक आध चीज़ों का हमने पालन नहीं किया है, बाकी सारी चीज़ों का पालन किया है। चलो अब इधर चलते रोड में, क्या रोड में इधर कुछ नहीं है यार, रोड कहाँ, आगे गौशाला है ये बोल रहे, आगे गौशाला है तब लगता है गौशाला देखना पड़ेगा, मतलब चलो आश्रम या गौशाला जो भी, चलो वो जाके देखते हैं अब यहाँ से व्यू, आगे गौशाला है तो उधर ही हम जा रहे हैं। और ये जो मैं आप लोग लाइब्रेरी बताया था ना, तो इस ढक्कन को ऐसा बताया था कि किसने मुझसे झूठ बोला था, ये लाइब्रेरी नहीं है, ये कुछ और है। तो अपन चल रहे आगे गौशाला के पास, चलते हैं। और गौशाला का पोस्टर सावित्री गौशाला नाम है इस गौशाले का, हमने इधर गौशाला और हमारे कृष्णा जी सामने, क्योंकि कृष्णा जी गाय चराते थे ना पहले, इसलिए कृष्णा जी की फोटो यहाँ लगाई गई है। और सामने एक गौशाला है और अरे मूर्ति, हाँ चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, वो कृष्णा जी की मूर्ति यहाँ लगाई गई है। और बाकी यहाँ से ऐसा व्यू है, उधर पीछे मंदिर है। तो अभी हम इधर गौशाला देख रहे थे, बस ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे, इतने देख लिए हैं, अब हम लौट जाएंगे यहाँ से, क्योंकि अभी हमें पैदल भी जाना पड़ेगा ना, हमें कम से कम एक दो किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के आए हैं, दो किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के पैदल मंदिर जाने के लिए, फिर बस पकड़ने के लिए एक दो किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा हमें। हम यहाँ से जा रहे वापस से जहाँ शुरू से स्टार्ट किया था हमने, उधर साइड, बाकी सारे ही भटक रहे हैं क्योंकि सब फोटो खिंचाने के लिए बोल रहे हैं, भैया फोटो खींच दो, पर इधर चले, चलो अब इधर चलते हैं, लोग इधर जाने को बोल रहे, क्या पता कहाँ क्या इधर है क्या, वैसे आश्रम, अच्छा हाँ ये पूरा आश्रम है ना, ये पूरा आश्रम ही है, मैं आप लोग बताना भूल गया था, आश्रम है पूरा। और ये मुझे पागल बनाया था इसने, फिर मुझे इसने बताया कि लाइब्रेरी नहीं आश्रम है। अपन अभी इधर चल रहे हैं, हट जाओ गाड़ी सामने से, निपटा जाओगे नहीं तो। हमको ये यहाँ लेके आई थी
पर यहाँ में कुछ अच्छा नहीं लगा, रोड ही है, रोड फोटो क्लिक कराना चाहती थी। अब हम ऊपर फिर से जा रहे हैं जहाँ से हम पहले स्टार्ट किए थे व्लॉग, अब वहीं पे जा रहे हैं वापस से। यहाँ एक मछली भी है, ये मुंह खोल रही है, मतलब कि डस्टबिन है ये। मछली के मुंह पे डस्टबिन बना दिया इनने। और पानी, ये ऐसी पानी हाथ धो धोने के लिए। बाकी ये वापस से मंदिर उधर जा रहे हैं, वो सामने भोलेनाथ दिख रहे होंगे। इससे मंदिर की तरफ आ चुके हैं, ये भोलेनाथ हमारे, भोलेनाथ जी और पार्वती जी और वो सेलजा जा रही है, और सेलजा जा वो ये जा रही है उधर। तो अब देखो यहाँ हम, अब यहाँ सब घर निकलने वाले हैं, क्योंकि हमें घर भी जाना है ना, क्योंकि 1-2 किलोमीटर पैदल चलना है हमें, मेन तक वो पैदल चलना है। तो चलते हैं अभी। तो भाई अभी हम यहाँ बैठे हैं, अभी ये लोग बातें कर रहे भैया से, भैया को दिखा रहे हैं ये भोलेनाथ। उसके बाद हम निकलेंगे घर, तो घर चलते हैं। कोई नहीं, इग्नोर मारो इन्हें, इग्नोर मारो ये गांव वाले लोग, इग्नोर मारो, काले पीले लोग दिख रहे हैं हमें फ़ोन के अंदर। कोई ना, अभी बैठे हैं, फ़ोटो तो हमने सब क्लिक करा लिया है। अब यार डीमार्ट भी चलना है क्या? देखते हैं डीमार्ट भी जाएंगे यहाँ से अभी तो। हाँ, मेरी फेवरेट नमकीन लेने जाएंगे, ड्राई फ्रूट्स वाली नमकीन लेने जाएंगे लोग। तो चलो तभी मिलेंगे आप लोगों से। बहुत हो गया फोटो वोटो शूट, हम यहाँ से निकल रहे घर, क्योंकि हमें अभी पैदल चलना है 2 किलोमीटर। क्यों है ना, दो से ज़्यादा कि दो ही है? एक होगा। चलो ठीक है, एक होगा, ये लोग एक बोल रहे हैं। अब यहाँ धीरे धीरे लोग आने लगे, नहीं पहले पूरा खाली है। चलो बाय बाय महादेव, चलते हैं अपने यहाँ से। हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये गेट है, और गेट के बाहर जाते हैं और निकलते हैं घर, क्योंकि अभी हमें पैदल जाना है, मेन प्रॉब्लम पैदल जाना है। चलो भगवान, बाय बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में। नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग नहीं, अपन तो अभी आगे चलेंगे, अभी हमें बहुत सारा काम है ना, तो अब चलते। अभी हमें जलेबी लेनी है, बहुत कुछ लेना है अभी बाहर से हमें, बड़ा पाव। चलो बड़ा पाव भी खाएंगे। रिक्शा में बैठ चुके हैं, अब हम बस का वेट नहीं कर रहे, सब रिक्शे में आ चुके हैं, अब चल रहे इधर घर तरफ हम सीधे। लोग हम घर आ चुके हैं, अब चल रहे घर। मैं सोच के साथ वीडियो पढ़ते यहीं पर, अगर आप लोग वीडियो पसंद है तो लाइक कर लें और शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। चलो बाय बाय।